نحمده ونسلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرعوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى صدق الله مولانا العظيم मिनाजुल कुरान वमिन लीग यू के की तमाम वजिस्स बहने रहमतुल्लाहि व अलकुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेपाया लत्फ व करम और हजूर वसलाम के वसीला जलीला से सईदी शेखुल इस्लाम की तवजहत और फ्यूज़ात के तूफ़ैल आज एक बार फिर हम मुबारक की इन खूबसूरत सातों में मिनाजल कुरान वेमन लीग यूके के ज़रमाम कायनात कायनत अलैहा कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं जो कि हर साल तीन मुबारक को मनक़द की जाती है अल्लाह पाक आपकी हर साल की तरह इस काविश को भी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और रोज़े महशर सयद कायनत सैद फ़ातमा सहरा अलैहा की रज़ा का वसीला बनाए मैं अपनी गुफ्तू का आगाज़ सयदा कायनत सलामल अलैहा की सीरत मुबारक़ा के उन पहलुओं से करना चाहूँगी जिनकी आज हमारी ज़िंदगी में कमी नज़र आती है या जो ख़साइल सैद कायनत सलामुल्ल आल की हयात मुबारक के हैं खसाइल की हमारी ज़िंदगी में कमी पाई जाती है जिसकी वजह से हम उन उनमरत हस्तियों की तालिमात और उनके फ्यूज़ात से दूर होती चली जा रही हैं मसला ये है कि हम अगर अपनी ज़िंदगी में एक ट्रेट को किसी एक हसन ख़ुल्क को दाखिल करती हैं और उस पर मेहनत करती हैं जैसा कि इबादत है तो हम इबादत गुजार तो बन जाती हैं लेकिन बाकी ट्रेट्स को बाकी खुल्क़ को भूल जाती हैं और सब्र में फॉरबेरेंस में इज्ज़ वनकसारी में लोगों से अच्छे अखलाक़ से पेश आने में हम नाकाम हो जाती हैं तो आज मैं सैद कायन अलैहा की चंद ऐसी खसलतों का तस्करा करना चाहूँगी जिनकी हमारी ज़िंदगी में कमी पाई जाती है उनमें से सबसे पहले तकवा है पायटी इसमें कोई शक नहीं कि अगर हमने तकवा और परहेज़गारी की सबसे अजीम मिसाल देखनी हो तो वो मिसाल खातून जन्नत सैद तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की है कि जिन्होंने अपनी हयात मुबारक का एक एक लम्हा तकवा के रास्ते पर चलते हुए गुजारा फिर चाहे वो शेब अभी तालिब के तीन साल की कैदोबंद हो या फक्र और तंग दस्ती का आलम हो या मेहनत और मुशक्कत की ज़िंदगी गुजारना हो आपकी हयात मुबारक का एक एक लम्हा एक एक पल तकवा के नूर से मुनवर है और ऐसा क्यों है क्योंकि सैद कायनत सलाम्ल ने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा को दुनियावी मालो मता और ऐशो इशरत की ज़िंदगी पर फोकियत दी और आपने अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्ला वसलम की रज़ा की खातिर अपना सब कुछ, कुछ कुर्बान कर दिया आपका शाार ये था जैसा कि अल्लाह अल्ला इज़्ज़त कुरान करीम में सराानन्सा की आयत नंबर सेवनटी सेवन में इरशाद फरमाता है आओ जबिल्लाशन कुलमता दिनिया कलील वल आखिर तो खैर के आप उन्हें फ़रमा दीजिए कि दुनिया का मफाद बहुत थोड़ा यानी मामूली शय है और आखिरत बहुत अच्छी नेमत है उसके लिए जो परहेज़गार बन जाए वहाँ एक धागे के बराबर भी तुम्हारी हक तलफी नहीं की जाएगी तो कायनात सलामुल्लाह अलैहा अपनी तमाम उम्र जोहदो वरा, तकवा और परहेज़गारी और इबादत और रियाजत में गुजारा करती आपका मकसद हयात अल्लाह और उसके रसूल अलैहि वसल्लम की रज़ा और खुशनुदी था जो आखिरत में कामयाबी का जामिन है कि अल्लाह इज़्ज़त फ़रमा रहा है कि परहेज़गारों के लिए आखिरत एक नेमत है और जैसा कि सूरह अल असरा की आयत नंबर उन्नीस में फ़रमाता है शैतानिर रजीम वमन अरा वस वन फ़ाला कहना यू हम मशकूरा कि जो शख़्स आख़िरत का ख़्वाहिशमंद हो और उसने उसके लिए उसके लायक कोशिश की और वो ममिन भी हैं तो ऐसे ही लोगों की कोशिश मकबूलियत पाएगी तो बात ये समझ में आई कि अगर हम आख़रत की कामयाबी चाहती हैं तो हमें सैदा कौन सलाम उल्ल के नक्श कदम पर चलते हुए ज़िंदगी गुजारनी होगी आपके नकुश सीरत फ़कत आखिरत की कामयाबी की जामिन नहीं है बल्कि इस दुनिया में भी हमें एक कामयाब खातून, एक कामयाब मुस्लिम लीडर एक कामयाब माँ एक कामयाब बहन और एक कामयाब बेटी के तौर पर जीना सिखाती हैं आपकी सीरत मुबारक से हमें तकवा और परहेज़गारी का दर्स मिलता है हम यहाँ पर लफ्स तकवा को कुरान करीम की रूह से भी समझने की कोशिश करती हैं في الآعراف في الآية رقم 26، الله لزت إرشاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لِبَاسًا يواري سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. كأي أولاد آدم، بيشك هم نحن ऐसा लिबास उतारा है जो तुम्हारी शर्मगाहों को छुपाए और तुम्हें ज़ीनत बख्शे और उस ज़ाहरी लिबास के साथ एक बातनी लिबास भी उतारा है और वही तकवा का लिबास ही बेहतर है ये जाहिर व बातिन के लिबास सब अल्लाह की निशानियाँ हैं ताकि वो नसीहत कबूल करें तो इस आयत मुबारक की रोशनी में तकवा से मुराद बातनी लिबास है और तकवा इबारत है अल्लाह के आवामिर को बजा लाने से और अल्लाह ने जिन चीज़ों से मना फरमाया है उनसे से इजतनाब करने से तकवा ये है कि इंसान फिर अपनी ख़्वाहिशात को और ज़िंदगी के तमाम अमूर को रहमान के साथ इन लाइन कर ले और अल्लाह की रज़ा के हसूल की खातिर अपनी ज़िंदगी गुजारे और अल्लाह की रज़ा को अपनी ज़िंदगी का मकसद समझे और ये भी समझने की ज़रूरत है कि कोई भी काम ज़बरदस्ती करना पड़े जैसा कि इबादत है नमाज है और हमें वो अमल बोझ लगने लगे तो ये तकवा नहीं कहलाता तकवा इज़ नॉट अ सेपरेट एक्टिविटी तकवा एक कैफियत का नाम है जैसे हम रोज़ा रखती हैं तो दूसरे अमाल भी जारी रहते हैं तर्क नहीं करती सोना है नमाज पढ़ना है स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाना है जॉब्स पर जाना है तो हम अपने आप को फ़कत भूखा नहीं रखती बल्कि अपने तमाम अमूर को सर अंजाम दे रही होती हैं इसी तरह तकवा है तकवा एक ऐसी कैफियत है जो हर हाल में चाहे आप रोज़े की हालत में हैं नमाज पढ़ रही हैं उसमें नमाज खुशी व खजू से अगर पढ़ रही हैं तो आप तकवा की हालत में हैं आप जॉब पर हैं और अपनी कलिग्स और इर्द गिर्द वाले लोगों के साथ अच्छे अखलाक से मिलती हैं तो ये भी तकवा कहलाता है ये भी तकवा की हालत है और इसी तरह जब आप के दिल से और खलूस नीयत से दीन का काम कर रही होती हैं तो यह भी तकवा कहलाता है आप में से कई ख़ात जॉब भी करती होंगी हाउस होल्ड को भी देखती होंगी सम ऑफ योर इवन यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स तो आप अपने मामूलात में अगर हर काम के लिए इरादा कर लें कि मैं फ़कत अल्लाह की ऱा की खातिर अपने मौला को राज़ी करने की खातिर दूसरों के साथ अच्छा सलूक रखूँगी अच्छे अखलाक़ से पेश आऊँगी किसी का दिल नहीं दुखाऊँगी और ये सब आप किस लिए कर रही होंगी फकत अल्लाह की खातिर ले अल्लाह तो जब आप अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी की खातिर गुजारना शुरू करेंगी तो हमारी ज़िंदगी तकवा के नूर से आरास्ता होना शुरू हो जाएगी और फिर फ़कत ये कह देना कि मैं तमाम आमाल अल्लाह की खुशनुदी की खातिर कर रही हूँ उसकी रज़ा की खातिर कर रही हूँ तो मेरी बहनों फ़कत आमाल से कुछ नहीं मिलता अल्लाह इज़्ज़त को वो चाहिए जो हमारे दिलों में है जो हमारी नीयतों में है अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझे तो तुम्हारे दिलों में छुपा हुआ सिद्ध और अखलास चाहिए और जहदो वरा चाहिए और हर एक से कट कर मेरा हो जाना चाहिए मुझे खशियत के आंसू चाहिए जो फ़कत मेरे लिए हों तो सैद कायनात सलामुल्ला अलैहा का जो लकब बतूल है उसका मानी भी यही है कि आप हर एक से कट कर उस खालक कायनात की हो गई थी और तकवा के कॉन्सेप्ट को अगर मजीद एलेबरेट किया जाए कि अगर इल्म है दुनियावी गर्ज और लालच से पाक हो तो ये तकवा कहलाता है और अमल अगर अमल अल्लाह की नाफरमानी के बगैर हो तो ये भी तकवा कहलाता है फिर ज़ोहद है ज़ोहद ये है कि मजीद किसी शेय की तलब बाकी ना रहे तो यह भी तकवा कहलाता है फिर शुक्र बिला शर्त हो और हर हाल में हो तो यह भी तकवा कहलाता है फिर सब्र सब्र हो तो बग़ैर शिकायत के हो यह भी तकवा की अलामत है और इंसान इबादत करे तो इबादत के बगैर हो तो उसे भी तकवा कहते हैं तो आइए सैदा कौनैन सलाम अलैहा की सीरत मुतहरा की एक और सिफत पर रोशनी डालते हैं सैद कायन सलामुल्ला ला ने तकवा के रास्ते पर चलते हुए अपनी ज़िंदगी बसर की और माली मुश्किल और मुशक्कत भरी जिंदगी के बावजूद सब्र और तहमुल का पैकर थी आप माली अतबार से तंगदस्त तो थी लेकिन जहदो तकवा से माला माल थी तो जिस सिफत का हम यहाँ तजकरा कर रही हैं वो सब्र और तहमल है पेशेंस हैं फॉरबेरेंस हैं और टॉलरेंस है अगर हम अपनी जिंदगियों का जायज़ा लें तो हम में से हर एक खातून के ऊपर कई जिम्मेदारियां हैं कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं है। अब उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए मसला कहाँ दरपेश आता है कि हम सब्र से काम नहीं लेती हमारे अंदर पेशेंस और टॉलरेंस की कमी पाई जाती है जैसा कि हमारी डोमेस्टिक लाइफ है सोशल लाइफ है फिर पर्सनल लाइफ है और फिर हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है तो प्रॉब्लम ये होता है कि हम अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने में नाकाम हो जाती हैं और अक्सर ऐसा होता है कि अगर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में से कोई भी चीज़ निगलेक्ट हो रही होती है हमारी ही कमज़ोरी की वजह से तो हम पैनिक हो जाती हैं और सब्र का दामन हाथ से छूट जाता है फिर हमारे मजाज में अदम बर्दाश्त और इमपेशस दाखिल होना शुरू हो जाता है और हम अपनी फ्रस्ट्रेशन कभी अपने बच्चों पर निकाल रही होती हैं कभी अपने शोहरों पर निकाल रही होती हैं तो कभी अपने वालदेन पर तो मेरी बहनों अगर हम ऐसी परेशानियों से दो चार हैं तो इस मसले का हल भी सैद कायन अलैहा की सीरत मुबारक़ा से मिलता है कि आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ साथ रूहानी ज़िंदगी और पर्सनल लाइफ को भी कभी मुतासर नहीं होने दिया यानी कि आपकी ज़िंदगी में जो भी मुश्किल आईं चाहे वो बचपन में हजूर सलात वाम की खातिर दुश्मनों को ख़िताब करना हो चाहे फ़क्र तंग दस्ती का आलम हो फ़क्र फाका का ये आलम हो कि घर पर जो कुछ पका हुआ है सब उठा कर दर पर आए साइल को दे देना और ख़ुद भूखा रह जाना चाहे वो रात भर अल्लाह के हजूर सजदा रेज होकर उसकी याद में आंसू बहाना हो चाहे वो डोमेस्टिक लाइफ में जो मुश्किल हैं जैसे कि घरेलू काम हैं और फिर अपने दस्ते मुबारक से चक्की पीसना यहाँ तक कि आप अपनी ज़िंदगी के जितने भी अमूर सर अंजाम दिया करती थी कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपकी डोमेस्टिक लाइफ का आपकी रूहानी जिंदगी पर असर हुआ हो और आपने थकावट का इजहार किया हो या आपके मिजाज मुबारक से इम्पेश या अदम बर्दाशत का तासर मिला हो शी न्यू हैव टू क्रिएट अस बिटवीन हर पर्सनल डोमेस्टिक्परिचुअल लाइफ शी नवर इगनोर्ड एनी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ हर लाइफ बींग अ डोटर बींगर और मदर एंड अडर ऑफ द मुस्लिम वेमेन जिस भी पहलू से सैद कायन सलाम्ल की हयात मुबारक का जायजा लें तो कोई एक ऐसा पहलू नजर नहीं आता जिसमें आप रोल मॉडल के तौर पर सामने ना आती हजरत अली होंररतलीतजा और दीनी फ़राज से फ़ुर्सत पाकर मेहनत मज़दूरी करते जो मिलता वो ला कर सैद कायन के हाथ में दिया करते और आप उसे सब्र और शुक्र के साथ कबूल फ़रमा लेती कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये फ़ख्र तंग दस्ती आप दोनों की खुशगवार ताल्लुक़ पर असरानंदाज़ होती हों आज हमारा सबसे बड़ा मसला ही ये है मैरिड कपल्स का कि फाइनेंशियली जब तंगदस्ती घर में आती है मसाइल आते हैं फाइनेंशियल स्ट्रेन आती हैं तो शोहर और बीवी के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है और हमारी डोमेस्टिक लाइफ मुश्किल से दो चार हो जाती है तो टॉलरेंस के हवाले से अगर हम क़ुरान मजीद की आयत मुबारक को देखें सुर इमरान में अल्लाबुल्ज़त फरमाता है या अवसुबिल्लामीस्ु व ए ईमान वालों सब्र करो और साबित कदमी में दुश्मन से भी ज़्यादा मेहनत करो और जिहाद के लिए खूब मुस्तैद रहो और हमेशा अल्लाह का तकवा कायम रखो ताकि तुम कामयाब हो सको ये आया मुबारक हमें सैद कायन सलाम अलैहा की याद भी दिलाती है वो कैसे कि इस आयत मुबारक की रोशनी में अल्ला रबालज़त के नज़दीक कामयाब इंसान वो है जो साबरीन में से है और जो सबित क़दमी इख्तियार करता है और जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करता है और ये तमाम खसलतें हमें सैद कायन सलामल आलह की सीरत मुबारक से मिलती हैं मेरी बहनों अगर हम ये सोचें कि सैद फ़ातम तो ज़हरा ज़ाहरा सलामल तो जन्नत की तमाम औरतों की सरदार हैं और उनका मकाम व मरतबा ये हैं कि आप आपज़ूर नबी अकरम सल्ला वसम से सबसे ज़्यादा मुशाबहत रखती थी और आपका चलना हजूर जैसा था आपका गुफ्तारदारजूर सल्ला वसम जैसा था तो इन तमाम हक़ाक़ को मद्दनज़र रखते हुए अगर हम ये सोचें कि वो तो सैद कौनैन थी हम उनकी सीरत मुबारक अमल करते हुए कैसे ज़िंदगी गुजारें और वो तो आज से चौदह सौ साल कबल की बात है तो आज हम उनकी सिफात को कैसे अपना सकती हैं क्या ये मुमकिन है भी या नहीं तो मेरी बहनों इसका जवाब ये है कि ये बिल्कुल मुमकिन है कि हम पाक के नक्कुश सीरत पर चलते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारें क्योंकि बहुत सी ऐसी अजीमबत हस्तियाँ हो गुज़री हैं जिन्होंने सैद कायनात सलाम अलैहा के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारी और अल्लाह ने उनको बुलंद मकाम अता किया और वो अपने दौर की वलिया कामिला बनी तारीख़ इस्लाम में मर्दों की तरह ख़वान में भी बहुत सी सूफिया और अहलुल्ला ख़वात गुजरी हैं जिनकी तालीमात और सूफियाना तजर्बात ने तसवफ़ के फ़रह में बड़ा अहम किरदार अदा किया है सबसे ज़्यादा मारूफ़ सूफ़ी ख़वान का मैं यहाँ तस्करा करना चाहूँगी जिन में हज़रत राबिया बसरी रदील्ल तह हैं आपका शुमार आठवीं सदी की मरूफ वलिया कामिला के तौर पर होता है आपका तल्लु बसरा से था आपकी शायरी और तलीमत खुदा की महब्बत और रूहानी पाकिजगी की अहमियत पर मरकूज़ थी आपने तकवा और अल्लाह रबाल्जत से तल्लुक बंदगी और मोहब्बत और अकीदत में शोहरत हासिल की आपको इस्लामी तस्वफ़ या तसव्फ़ की तारीख की अहम तरीन शख्सियात में से एक समझा जाता है आप एक गरीब घराने में पैदा हुई और छोटी उम्र में ही यतीम हो गई आपने मुश्किल हालात के बावजूद आप अपने ईमान और अकीदे में साबित क़दम रहीं। आप अपनी गहरी रूहानी बसरत और तलीम के लिए जानी जाती हैं आपने जहन्नम के खौफ़ या जन्नत के इनाम की उम्मीद की बजाय अल्लाह इज़्ज़त की ज़ात से मोहब्बत करने की अहमियत पर जोर दिया है सैद रज़ी अल्लाह अन्हा को अपनी दरवेशी और आजजी और इंकसारी के लिए जाना जाता है आपने बहुत सादा और आजजाना ज़िंदगी गुजारी है आपके बारे में कहा जाता है कि आपने तमाम मादी इमलाक और वसाइल को मस्तरद कर दिया और सिर्फ उन वसाइल पर ज़िंदगी बसर की जो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी थी गुरबत के बावजूद आपको अपने हम असरों की तरफ से बहुत इज्ज़त की निगाह से देखा जाता था और बहुत से लोग रूहानी रहनुमाई के लिए आपके पास आया करते थे आपकी शख्सियत और तालीमात ने इस्लामी तसवफ़ पर बहुत गहरा असर डाला और आज तक दुनिया भर के मुसलमान आपकी तालीमत से मुस्तफीद हो रहे हैं और फिर इसी तरह फ़ातिमा अलफहरी हैं आप नवी सदी के मुसलमान सूफ़ी खातून हैं ट्यूनस के एक ताजर मोहम्मद अलफ़री की बेटी फ़ातिमा अल महमदालफरी जिनका उर्फ़ बनीन है जिसके नाम से आज बहुत कम लोग वाकिफ हैं लेकिन उम्मत मुसलमा के लिए आपबिल फ़्र हैं और काबिल फ़ख्र है ये बात कि उस इल्म दोस्त मुस्लिम ख़ातून ने दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी आप ट्यूनस के शहर केरवान में पैदा हुई और बाद हजा आपके वालिद आपको और आपकी बहन मरियम को लेकर मराकश मोरक्को के शहर फास मुंतकिल हो गए वालिद की वफ़ात के बाद दोनों बहनों ने फ़ैसला किया कि विरासत में मिली दौलत को वो मसाजि और तालीम की तरवीजो तरक्की में सर्फ़ करेंगी तो अपने वालिद की के सवाब और सदक़ जारिया के तौर पर उन्होंने जाम मस्जिद करावीन तमीर की एट हंड्रेड फिफ्टी नाइन ईस्वी में उस अज़ीम मुसलमान बेटी ने मोरक्को के शहर फास में दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी जामियातुलकरवीन की बुनियाद रखी जहाँ से आज भी इल्म की शमें रोशन हो रही हैं यहाँ तक के यूनेस्को की एक रिपोर्ट के मुताबिक और गस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक अलव दुनिया की सबसे पहली और सबसे पुराना कॉन्टिन्यूली ऑपरेटिंग इंस्टीट्यूशन है जिसमें रिलीजस एजुकेशन के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन भी पढ़ाई जाती है तो बात करने का मकसद ये है कि उम्न और सैद कायन सलाम उल्ला और अहल बहत अथार की पाक शहज़ादियों के बाद भी ऐसी मुजाहिदात हो गुजरी हैं कि जिन्होंने उनके नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी ज़िंदगी गुज़ारी और अपनी जिंदगियों को इल्म के नूर से आरास्ता किया और फिर इसी तरह एक और अजीमत हस्ती कि जिनका कल्ब अथर के इबादत मोहब्बत इलाही नूर ईमान और को यकीन से मामूर था और वो अजीम हस्ती सैदा नफ़ीसा बिनते हसन अनवर हैं जो अपने दौर में के विलायत पर दरखशां सितारा बनकर उभरी आप आठवीं सदी में मदीना मुनवरा में पैदा हुईं आप ताजदार कायन सल्ला वसलम की औलाद में से थी और अलिया और के घराने में पली बढ़ी छोटी उम्र से ही आपने इस्लामी तालीबात में गहरी दिलचस्पी जाहिर की और ख़ुद को कुरान हदीस के मताले के लिए वक्फ़ कर दिया यहाँ तक केम अमल तलब मारफ़त रज़ाए और इतात रसूल अलैहि वसल्लम आपकी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोना थे इमाम शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी आपकी शान में लब कुशाई की मतवली अलशारावी की किताब द लाइट ऑफ बैत में सैदा नफीसा रदी अल्लाह अन्हा के अहवाल का तफसीली तस्करा है सैदा नफीसा रदी अल्लाह तह ने अपनी ज़िंदगी में तीस मरतबा हज अदा किया जिन में से अक्सर हज उन्होंने पैदल किए जब आपसे पूछा गया कि बुढ़ापे में भी ऐसी मुशक्कत पर मदावमत की वजह क्या है तो आप फरमाती हैं कि इमाम हुसैन आसम फरमाया करते थे कि मुझे शर्म आती है कि अगर मैं अपने रब की बारगाह में हाजरी के लिए पैदल चल के भी ना जा सकूँ बस मैं उन्हीं की सुन्नत पर अमल पैरा रहने की कोशिश करती हूँ आप आपने मजीद की हाफिज़ा भी थीं और मुफसरा भी थीं। आप आपने मजीद की तिलावत कसरत से किया करती थीं और दौरान तिलावत आपकी आंखें अशक़बार रहती और आपका ये मामूल तदम मरक जारी रहा आपकी भतीजी जैनब बिनतिया फ़रमाती हैं कि सैद नफीसा रदी अल्लाह तह ने अपनी मुबारक खुद तैयार की और उसमें छः हजार मरतबा खतम फरमाया सैद नफीसा रजियल तहा की शादी इमाम जाफिर सदिक रजियो के साहिबजादे हजरत इसहाक अलमत्तमिन रजियल्लाहो से हुई आप अपने शोहर हजरत इसहाक के हमर मिस्र चली गईं और काहिरा जाकर आबाद हो गई आपसे सलूक तसवफ़ और फ़नून का फ़ैज़ बक वक़्त जारी था यही वजह है कि इमाम शाफ़ी रजी अल्लाह अन्हो और हजरत जुन्नून मिसरी ऱी अल्लाह ताला अन्हो जैसी अजीमुल मर्तबत हस्तियाँ आपसे इकतसाब फ़ैज़ करती रहीं इमाम शाफी रदी अल्लाह तह हो आप सेम हदीस और फ़िक्र हासिल करते रहे और सैद नफ़ीसा ऱी अल्लाह तहा हर साल इमाम शाफी की इब्तः में नमाज तरावी अदा किया करती इमाम शाफी का मामूल था कि आप सैदा नफीसा रदी अल्लाह ताल की बारगाह में दुआ के लिए दरखास्त भेजा करते तो जब आपका आखिरी वक्त करीब आया और आपने अपने एक शागिर्द को दुआ की गर्ज़ से सदा नफीसा की बारगाह में भेजा तो आपने उस शागिर्द को उस पैगाम के साथ वापस भेज दिया कि आप फरमाती हैं أحسن الله अहसल्ला बिन بالنظر إلى وجهه الكريم. कि आप फरमाती हैं कि अल्लाह से मुलाकात बहुत खूब है और उसकी तरफ तवज्जो करना बहुत नफ़ा बख्श है अल-नफ़ीसा में दर्ज है कि हज़रत जन्नून मिसरी रज़ी तहों ने फ़रमाया कि इस ज़माने में सैयदा नफीसा से बढ़कर कर दावाद और कोई हस्ती नहीं है आपकी भतीजी ज़ैनब बिन तयाहया फरमाती हैं कि जब सैद नफ़ीसा रदी अल्लाह तहा के विसाल का वक्त करीब आया तो आप सूर्नाम की तिलावत फरमा रही थी जब इस सूरत की आयत नंबर एक सौ सत्ताईस पर पहुँची जिसमें अल्लाह रब्ज़त फ़रमाता है आउज बिल्लाशन लहमदारसलाम अंदरबिहम व हुआ वली युहम बे मै कानू यामून कि उन्हीं के लिए उनके रब के हजूर सलामती का घर है और वही उनका मौला है उन आमाल साल के बायस जो वो अंजाम दिया करते थे तो आप जब इस मकाम पर पहुँची तो आप पर गशी तारी हो गई और फिर आपने शहादत के कलमात अदा किए और इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गईं आपकी वफ़ात के बाद आपको काहरा में दफन किया गया और आपका मज़ार अक्स आज भी मजा खलाक है आपकी तलीमत से आज तक मुसलमान इस्ता कर रहे हैं और आपकी ज़िंदगी ईमान इल्म और तकवा की ताकत का मुँह बोलता सबूत है इसी तरह दुनिया इस्लाम की कई और ऐसी खुतिन हैं जिन्होंने सैद कायन सलाम अलैहा के नक्श कदम पर चलते हुए जो वरा तकवा और पाकिजगी इबादत और रियाजत इल्म और अमल, और मखलूक ख़ुदा की खिदमत को अपनी ज़िंदगी का शार बनाया इसी तरह इमाम शाफी रजी अल्ला की वालदा फ़ातिमा बिनते उबैदल अजदिया हैं इमाम शाफी अपने वालद ग्रामी की तरफ से नसब थे और हज़रत अब्दुलमनाफ़ की औलाद में से थे जब आपकी वालद ग्रामी का इंतकाल हुआ तो आप दो साल के थे तो आपकी वालदा हज़रत फातिमा ने आपकी तरबियत की खातिर फ़लस्तिन से मक् मुकरमा हिजरत की ताकि अपने बेटे की तरबियत के लिए सही नस्बतें ढूँढ सकें सही सोबतें ढूँढ सकें तो मक् में चंद तब जिंदा थे तो उनकी सहबत में अपने बेटे शाफी को बिठाना मकसूद था और दूसरा मकसद आपका ये था कि जो वालद की कमी है तो मेरे बेटे को ज़िंदगी में फ़िज़िकल रोल मॉडल की ज़रूरत है तो मैं मक् मुकरमा हिजरत करके एक शेख और रोल मॉडल का इंतब करूँ जो मेरे बेटे की तरबियत कर सकें उस ज़माने में अरब में मामूल था कि जैसे आदमी शादी करते थे इसी तरह औरतें भी जब बेवा होती थी तो शादी कर लिया करती थी जैसा कि हमने सहाबियात के बारे भी सुन रखा है कि जब उनके शोहर शहीद हो जाते तो वो दोबारा भी शादी कर लिया करती लेकिन हज़रत बिनते बिनतेबैदुल्ला ने मुश्किल और तंगियाँ ली लेकिन अपनी पूरी ज़िंदगी अपने उस एक बेटे की परवरिश और तरबियत में सर्फ कर दी और उसको इमाम वक्त और मजदद वक्त बनाने में सर्फ कर दी अपनी ज़िंदगी को इस मकसद के लिए डेडिकेट कर दिया फिर एक एक सब्जेक्ट के लिए खुद अजा का इंतब किया और यूँ उनकी तरबियत करते करते फिर अपने बेटे को फ़िका का इमाम और मुजद बना दिया तो आपने बीइंग सिंगल पेरेंट इतनी मुश्किल का सामना करने के बावजूद अपने बेटे की तरबियत को अपना मकसद हयात बना लिया इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्ज़ाम्पल इन इस्लामिक हिस्ट्री फॉर सिंगल मदर्स तो मेरी बहनों ये इस्लाम की वो अजीम ख़वात थी जिनको अपना मकसद हयात पर्पज़ ऑफ़ लाइफ वाज़ था और उस मक़द हयात को पाने के लिए क्या ज़्यादा सफ़र दरकार है ये भी उन्हें वाज़ था इन हस्तियों ने सैद कायनात सलाम्ल के नक्श क़दम पर चलते हुए जहदो वरा तकवा और परहेज़गारी, परहेजगारीम और, और रज़ाए इलाही जैसी खसलतों को अपना ज़्यादे सफ़र बनाया तो हमें चाहिए कि हम भी सबसे पहले अपने मकसद हयात को समझें और उसका तयन करें और जब हम पर हमारा पर्पज़ ऑफ़ लाइफ आया हो जाए तो फिर ज़िंदगी के सफ़र में उस मकसद को पाने के लिए ज़्यादा सफ़र भी तकवा होना चाहिए इल्म अमल होना चाहिए ज़ोदो वरा होना चाहिए हमारा ज़्यादा सफ़र रज़ा इलाही और इतात रसूल अलैहि वसल्लम होना चाहिए और इबादत रियाजत और होना चाहिए और ये तमाम खसलतें ख़तून जन्नत सैदातमत ज़ाहरा सलामल की कदमों की खैरत हैं और वो तमाम ख़साइल, तमाम अजमतें और रानाइयाँ जो किसी इंसान में हो सकती हैं वो तमाम तर आपकी अकदस में जामे तौर पर ना सिर्फ मौजूद थीं, बल्कि कायनते इंसानी को ये तमाम खूबियाँ और कमालत आपके दर की खैरत से नसीब हुई हैं कैसे करूँ रकम में ये अजमत बतूल की कैसे करूँ रकम में ये अजमत बतूल की इंसान में मुनफरद रही हुरमत बतूल की हक़ तो ये है कि हम सैद कायनत सलामल के अहवाल को जितना पढ़ें हमारा उनसे ताल्लुक़ उतना पुख्ता होता चला जाएगा यहाँ तक कि जो सैद पाक के अखलाक मुबारक हैं उनका नूर हमारे अंदर भी मुंतकिल होना शुरू हो जाएगा कायनात सलामुल्लाह अलैहा के अहवाल को फकत हसूले बरकत के लिए ना पढ़ा करें बल्कि अगर पढ़ना है तो इस नीयत से पढ़ें कि हम उनके अखलाके मुबारक से सीखते हुए तकवा और परहेज़गारी को अपना शा बनाएंगी हम उनके अहवाल पढ़ें तो फ़कत इसलिए ना पढ़ें कि वो हज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी थी बल्कि हम उनके अहवाल इसलिए पढ़ें ताकि उनके उस मुबारक पर अमल करते हुए अपनी जिंदगियों को जहदो वरादको वफ़ा शब्रज़ा इबादत व रियाजत और, और ख़दमत खलक़ के जज्बे से सरशार कर सकें हमें उनके अहवाल इसलिए पढ़ने चाहिए ताकि हम उनके नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी ज़िंदगी में सैद कायन के अख्लाक और किरदार की रोशनी में से किरने समेट सकें और फिर सैदा कायनात अलैहा की बांदी होने का हक ये है कि उनके अखलाक और किरदार की रोशनी की झलक हमारे जाहिर और बातिन से झलके तकवा की सूरत में परहेजगारी की सूरत में इबादत गुजारी की सूरत में सब्र शुक्र की सूरत में अल्लाह पाक हमें तोहफी का फ़रमाए कि हम उमहती और अहले बेते अथार की पाक शहजादियों और बिलखसूस सैदा कायनत सैदा फ़ा तोहरा सलामुल्ल के नक्श कदम पर चलते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार सकें मैं आखिर में एक बार फिर मिहाजल कुरान वेमन लीग यू के और मोहतरमा नसरीन अख्तर साहिबा को और उनकी पूरी टीम को इस खूबसूरत सैद कायन कॉन्फ्रेंस पर मुबारकबाद पेश करती हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपके दीन की खातिर गुजरे हुए हर लम्हे को वसीला आख़रत बनाएँ और जो बातें आज हमने की हैं उन पर अमल करने की तोफ़ी का ताफ़रमाएँ अल्लाह पाक हजूर सैदी शेख आली का साया हमारे सरों पर तादेर कायमदायम रखें वसलाम वमा अलैना बला